दोस्तों, क्या आपने इस वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया है तो बधाइयां हो, आप जीत चुके हैं 500 रुपए का पेटीएम कैश। उन दो लोगों को जो सबसे पहले कमेंट करेंगे इस वीडियो पे, उनको 500 रुपए का पेटीएम कैश मिलेगा। शाहीन अफरीदी के सामने अरुण फिंच काफी स्ट्रगल करते हैं, 11 बॉल में सिर्फ 17 रन बना पाए और 2 बार शाहीन ने इनकी विकेट भी ले ली T20s में। फैन टू प्ले पर IPL लीडर बोर्ड खेलो और जीतो T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच की टिकट, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। तो इस IPL फैन टू प्ले पर टीम बनाओ और वर्ल्ड कप जाओ। दोस्तों, क्या आपने इस वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया है तो बधाइयां हो, आप जीत चुके हैं 500 रुपए का पेटीएम कैश। उन दो लोगों को जो सबसे पहले कमेंट करेंगे इस वीडियो पे, उनको 500 रुपए का पेटीएम कैश मिलेगा। अब 100 रुपए पेटीएम कैश नहीं मिलेगा 10 लोगों को, बल्कि अब मैं इस रेंज को छोटा कर रहा हूं और अब मैं सिर्फ 2 लोगों को जो सबसे पहले कमेंट करेंगे उनको 500-500 रुपए का पेटीएम कैश दूंगा। तो वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। आप जो भी 500-500 रुपए पेटीएम कैश जीते हैं, आपको बधाइयां हो, बट आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप टीम में खेलेंगे तो आप ज्यादा जीत पाएंगे, यानी कि जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो का टाइमिंग क्या होगा, अभी तो मैंने नहीं बताया, बट जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा, आप अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा होकर बैठ सकते हैं और हो सकता है आपका दोस्त जीत जाए फर्स्ट कमेंट करना, या आप जीत जाए तो आप एक साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। मेरे लिए भी थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, जब मैं आपको प्राइजेस दूंगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। 10 लोगों को प्राइज देने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वीडियोज काफी ज्यादा बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप इस टाइम पे आप करिए क्या, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और हम एक सेट टाइम पे वीडियो अपलोड करा करेंगे, मैं आपको पहले से बता दिया करूंगा, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर कोशिश कर सकते हैं फर्स्ट कमेंट करने की। देखिए, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी तभी आप जीत पाएंगे। तो जो भी पहले 2 लोगों ने कमेंट किए, 500-500 रुपए का पेटीएम कैश आपको मुबारक हो। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान मैच की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मैच यहां पर दिख रहा है क्योंकि सिर्फ एकमात्र T20 मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में होना है, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, जिसमें मैं आपको बता दूं पाकिस्तान फेवरेट है। इनकी प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत मुझे लग रही है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का फर्स्ट T20 मुकाबला है जो कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा 5 अप्रैल 8:30 PM इंडियन टाइम के हिसाब से। पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैटिंग के लिए देखिए, आखिरी जब ओडीआई मुकाबला हुआ था, थर्ड ओडीआई मुकाबला, वो थोड़ा सा लो स्कोरिंग रहा था, बट फिर भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पिच को थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए और ये T20 आपको थोड़ा सा अच्छा देखने को मिले। 160-170 की एक्सपेक्टेशन करेंगे। हालांकि टॉस के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा पिच कैसा क्या कर रही है, बट उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप हमें टेलीग्राम से ज्वाइन करके रखेंगे तो आपको टॉस अपडेट, पिच रिपोर्ट सब कुछ मिल जाएगी। इसलिए सबसे पहले एक काम कीजिए, कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मेरा कमेंट आपको मिलेगा, पिंड है, उस पे जाइए, क्लिक करिए लिंक पे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारी अपडेट्स आपको मिल जाया करेंगी। सो गाइस, बात करते हैं फैंटेसी टिप्स की। तो पिछले एक साल में T20s में प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया वो आपके सामने है। जैसे कि बाबर आजम ने पिछले एक साल में T20s में 23 मुकाबले खेले, अब चाहे इसमें आप इंटरनेशनल लगा लो, चाहे आप PSL लगा लो, सारे मिला के 23 मैच खेले हैं, 58.8 पॉइंट्स प्रति मैच फैंटेसी में दिए, यानी कि ये इतने इन्होंने पॉइंट्स दिए फैंटेसी में पर मैच। इसके अलावा ड्रीम टीम में 69% रहे। इसके बाद देखिए, बेन मैकडॉर्मेट का एक साल खराब T20s में 23 का इनका पॉइंट्स पर मैच निकलता है और 30% ड्रीम टीम का ये हिस्सा रहते हैं। एरन फिंच ये तो काफी स्ट्रगल करते हैं शाहीन के सामने, और अगर हम देखें हालांकि तो 17 मैच खेले पिछले एक साल में और 32 पॉइंट्स प्रति मैच की परफॉर्मेंस दी है। इसके बाद फखर जमन ने 34 पॉइंट्स पर मैच दिए फैंटेसी में, 21 मैच खेले एक साल में और 38% ड्रीम टीम का ये हिस्सा रहे हैं। यहां पे ऑलराउंडर्स में आप देखें तो हाई परसेंटेज में आपको एश्टन आगर, एम वसीम और शदाब खान मिलेंगे, जिनका ड्रीम टीम में परसेंटेज काफी हाई है और इन्होंने पिछले एक साल में पॉइंट्स पर मैच भी काफी ज्यादा दिए। फिर से सुन लीजिए, शदाब खान, मोहम्मद वसीम जूनियर और एश्टन आगर और जॉस इंग्लिश में आपको बता दूं ये पहले कोविड पॉजिटिव पाए गए थे बट अब ये नेगेटिव हो चुके हैं, इसलिए ये भी अवेलेबल है खेलने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं बॉलर्स की, तो बॉलर्स में आपको शाहीन अफरीदी देखेंगे जिनका 61% का ड्रीम टीम परसेंटेज होता है और पिछले एक साल में 43.8 पॉइंट्स प्रति मैच दिए। इसके बाद आपको एडम जंपा मिलेंगे, 46 पॉइंट्स प्रति मैच देते हैं और 55% ड्रीम टीम का ये हिस्सा है। फिर आते हैं हरीश रॉफ, 42 पॉइंट्स पर मैच देते हैं, 68% ड्रीम टीम का हरीश रॉफ भी हिस्सा। आप देखिए शाहीन अफरीदी से लगभग बराबर का परफॉर्मेंस ये देते हैं और प्लस ड्रीम टीम में थोड़ा ज्यादा आए हैं। फिर नेथन एलिस की बात करें, पिछले एक साल में 2 ही T20 मुकाबले खेले, 80 पॉइंट्स प्रति मैच देकर 100% ड्रीम टीम का हिस्सा है। विकेट कीपिंग सेक्शन में मोहम्मद रिजवान अनडिफीटेड 83% ड्रीम टीम का हिस्सा और एलेक्स कैरी मात्र 25% ड्रीम टीम का हिस्सा। 25% यानी कि पिछले 8 मैच जो कैरी ने खेले होंगे उसमें 2 मैच में ही मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, बाकी 6 मैच इनके फ्लॉप ही रहे हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्लेयर बैटल की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है किसी भी वीडियो का। तो
जिसमें आपको देखने को मिलेगा शाहीन अफरीदी के सामने अरुण फिंच काफी स्ट्रगल करते हैं, 11 बॉल में सिर्फ 17 रन बना पाए और दो बार शाहीन ने इनकी विकेट भी ले ली T20s में है। तो ये थोड़ा सा प्लेयर बैटल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको देखना पड़ेगा कि फिंच के सामने शुरुआत में अगर शाहीन ने गेंदबाजी करी फर्स्ट बॉलिंग में खास करके तो फिंच का विकेट निकाल सकते हैं। शादाब खान ने देखे अरुण फिंच का दो बार विकेट निकाला है 23 गेंदों में, बट काफी रन भी खाए हैं, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं अरुण फिंच ने शादाब खान के सामने, बट दो बार विकेट भी शादाब ने निकाली है। इसके बाद बाकी किसी प्लेयर का इतना अच्छा स्टैट नहीं है, तो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं पाकिस्तानी बैटर्स ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की। इसमें आपको एक दो प्लेयर्स मिलेंगे जैसे एश्टन आगर, मोहम्मद रिजवान का काफी विकेट ले जाते हैं, 14 गेंदों में 10 रन देकर दो बार इन्होंने विकेट निकाला है पास में। जंपा की देखिए कोई पिटाई तो नहीं कर पाए बाबर आजम, बट विकेट भी नहीं दिया, 54 बॉल्स में सिर्फ एक विकेट दिया है, तो जंपा को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है बाबर का विकेट निकालने के लिए। रन तो रोक लेते बट विकेट टेकिंग उतने नेचर के प्लेयर नहीं है अपोजिशन टीम के बाबर आजम के खिलाफ। बाकी प्लेयर्स का विकेट जरूर निकाल लेंगे बट बाबर आजम कोई छोटे बड़े प्लेयर नहीं है और इनका आप यहाँ पर परफॉर्मेंस से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे एश्टन आगर और एडम जंपा ने आसिफ अली का भी एक एक बार विकेट निकाला हुआ है और बाकी इनकी परफॉर्मेंस यहाँ से आप देख ही सकते हैं। ठीक है, जंपा के सामने मोहम्मद रिजवान काफी अच्छा करते हैं, हालांकि आगर के सामने मोहम्मद रिजवान थोड़ा सा फंसते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स की। तो देखिए इस वेन्यू पे इंटरनेशनल लेवल पे 14 मैचेस खेले गए, 7 बैटिंग फर्स्ट ने जीते, 7 बैटिंग सेकंड ने जीते, 166 के आसपास की एवरेज स्कोरिंग होती है। हाई स्कोरिंग की बात करें तो पाकिस्तान का 197 और लोएस्ट भी पाकिस्तान का 101 है। स्कोरिंग पैटर्न मैक्सिमम टाइम 170 से 189 स्कोर हुआ है यहां पे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डोमेस्टिक्स में इस वेन्यू पे क्या होता है। 32 मुकाबलों में से 19 बैटिंग फर्स्ट जीत गई, 173 का एवरेज स्कोर है और मैक्सिमम टाइम रेंज देखिए 170 से 189 या फिर 190 के अबव। तो ये जो हाई स्कोरिंग रेंज है ये थोड़ी सी ज्यादा है इस वेन्यू पे। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट मैचेस एट दिस वेन्यू। तो इस वेन्यू पे जो इंटरनेशनल मैचेस खेले गए उन पे आप थोड़ा सा नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि पाकिस्तान की टीम ने पिछले 5 मैच जो यहां पे खेले, देखिए 5 के 5 मैच खेले हैं इसी वेन्यू पे, जो आखिरी 5 मैच है पाकिस्तान के पास यही एक एडवांटेज है कि ये इस वेन्यू पे पहले इंटरनेशनल खेल चुके हैं 2021 से 2020 तक में। ठीक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया बहुत टाइम बाद इस वेन्यू पे खेलेगी, बल्कि पता नहीं कब खेली थी लास्ट टाइम। ठीक है, तो यहां पे आप देखें मैक्सिमम टाइम स्कोरिंग जो है वो 150 के आसपास होती है, प्लस यहां पे पाकिस्तान ने 5 में से 4 मैचेस को जीता है, तो इस वेन्यू पे पाकिस्तान फेवरेट है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। वैसे मजबूत भी टीम है और इस वेन्यू का अनुभव भी इनके पास काफी ज्यादा है। इसके बाद हम बात करें आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान 3rd पे है, ऑस्ट्रेलिया 6th पे है। हेड टू हेड में देखें तो 23 में से 13 मैचेस पाकिस्तान जीती और ऑस्ट्रेलिया मात्र 10 मैचेस को जीती है। बैटिंग फर्स्ट करती है ऑस्ट्रेलिया 4 और पाकिस्तान 9 मैचेस जीती है, वहीं बैटिंग सेकंड करती है ऑस्ट्रेलिया 6 और पाकिस्तान 4 मैच जीती है। लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस में भी देखें तो पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे है, बट ओवरऑल स्टैट में पाकिस्तान आगे है। ऑस्ट्रेलिया अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ वैसे भी नहीं खेल रही, तो पाकिस्तान मेरे हिसाब से इस मैच में फेवरेट होगी। इसके बाद हम बात करते हैं रीसेंट फॉर्म की, तो आखिरी 5 मैच में से ऑस्ट्रेलिया 4 जीत के आई और पाकिस्तान 5 में से 5 जीत के आई। रीसेंट टू ओल्डेस्ट लिखा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी T20 हार के आई है। यहां पे आप देख सकते हैं किस टीम से हारी थी, श्रीलंका से हारी थी। तो ये सारी चीजें मैंने यहां पे मेंशन करी है, ऑस्ट्रेलियन टीम आखिरी 5 मैच कैसे किस टीम के खिलाफ कितना स्कोर करके आई, हारी जीती वो लिखा है और यहां पे पाकिस्तान के खिलाफ भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट 5 हेड टू हेड मुकाबलों की। इन दोनों टीम के बीच में जब मैचेस होते तो आखिरी 5 हेड टू हेड मैचेस में क्या हुआ है। लास्ट मैच 2021 में इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी। उसके पहले भी ऑस्ट्रेलिया जीती, उसके पहले भी ऑस्ट्रेलिया जीती, बट ध्यान रखिए जो घर है ये है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान इस टाइम मजबूत भी लग रही है, तो पाकिस्तान इस मैच को जीत सकती है। आखिरी 5 हेड टू हेड मुकाबले आपके सामने, इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की। सो गाइस, यहां पे आप देखेंगे मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे बाबर आजम के साथ, नंबर 3 पे आपको देखने को मिलेंगे फखर जमन, नंबर 4 पे आसिफ अली एज पर बैटिंग ऑर्डर जो इनके कोच ने बताया है। तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम में अगर आप देखें तो रिसेंट टाइम फॉर्म दोनों प्लेयर्स का ठीक ठाक है, जिसमें रिजवान थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं रिसेंट फॉर्म के मुकाबले में। हेड टू हेड में देखें तो दोनों प्लेयर्स का हेड टू हेड ठीक ठाक है, हालांकि बाबर आजम काफी बढ़िया प्लेयर है कप्तानी वाइस कप्तानी की, हमेशा एक अच्छे पिक होंगे, और रिजवान भी, क्योंकि रिजवान भी काफी बढ़िया T20s में करते हैं। फखर जमन की वही हम बात करें तो 27 का एवरेज है, T20s में सक्सेस रेट थोड़ा सा कम है, 40% मैचेस में अच्छा कर रहा है, बाकी के 60% मैच थोड़े से खराब गए। तो इन दोनों प्लेयर्स के मुकाबले फखर जमन थोड़ा सा लोअर साइड है, बट फिर भी अपने घर में खेल रहे तो फखर जमन की भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रहेगी। फिर आते हैं आसिफ अली, जिनका 17 का बैटिंग एवरेज बनता है। रिसेंट टाइम में देखिए इनकी बैटिंग आ नहीं पाती, काफी नीचे टीम खिलाती थी, बट इस मैच में 4 पे खिलाएगी, तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग में काफी अच्छा कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो लोग ग्रैंड लीग खेलते हैं उनके लिए आसिफ अली काफी इंपॉर्टेंट पिक होंगे अगर लाइनअप में नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं, एज पर इनके कोच ने जो बोला है। रिसेंट फॉर्म अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द मैचेस में आसिफ अली ने विकेटें भी निकाली है रिसेंट टाइम में। PSL अगर आपने फॉलो करा होगा तो काफी मैचेस में इन्होंने बॉलिंग भी करी थी, तो एक बॉलिंग बैकअप भी इनके पास आसिफ अली के रूप में रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं इफ्तिकार अहमद, हैदर अली, खुशदिल शाह की, जिसमें इफ्तिकार और खुशदिल शाह भी कुछ ओवर बॉलिंग कर सकते हैं। और रिसेंट टाइम में तो देखिए इफ्तिकार अहमद ने अपोजिशन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
काफी अच्छे परफॉर्मेंसेज भी दिए। रिसेंट टाइम में हैदर अली के परफॉर्मेंसेज उतने अच्छे रहे नहीं बैटिंग से, और खोजदिल के हालांकि पीएसएल में हमने काफी बढ़िया परफॉर्मेंसेज देखे, प्लस इनकी बॉलिंग भी देखी। ये भी आपको बॉलिंग ऑप्शन देते हैं टीम में, और ये भी आपको बॉलिंग ऑप्शन देते हैं, और इसके अलावा आसिफ भी बॉलिंग ऑप्शन देते हैं, तीन सेकेंडरी बॉलर हो जाते हैं। फिर आते हैं शादाब खान, इनको बैटिंग में प्रमोशन भी मिल सकती है। रिसेंट टाइम में देखे तो बैटिंग में टी20s में अच्छा कर रहा है, प्लस बॉलिंग में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है। इवन अपोजिशन टीम के खिलाफ लास्ट जो इन्होंने टी20 खेला था उसमें 4 विकेट निकाली थी शादाब खान ने। तो शादाब खान आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इवन कप्तानी वाइज कप्तानी के बहुत अच्छे पिक हो सकते हैं, सेकंड बॉलिंग के केस में ये ज्यादा विकेट ले जा सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं और कौन कौन से प्लेयर अवेलेबल हैं जो इस मैच में खेल सकते हैं। तो इसमें आते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 44 मैचेस में 55 विकेट इनके नाम पे, आखिरी 4 मैच में 3 बार विकेटें भी मिली हैं। इनको ऑस्ट्रेलिया को पहली बार ये फेस करेंगे। शाहीन और हरीश्रॉफ टीम के लिए डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। रिसेंट टाइम में दोनों ने काफी इंप्रेस करा है, अपोजिशन टीम के खिलाफ शाहीन का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, और मैंने आपको बताया था एरन फिंच को ये काफी फंसाते हैं, तो एरन फिंच को इनसे खतरा रहेगा फर्स्ट बॉलिंग के केस में जब बॉल थोड़ा सा मूवमेंट करती है। इसके बाद बेंच स्ट्रेंथ में इनके पास आसिफ अफरीदी है, हसन अली है, मोहम्मद हरीस है, मोहम्मद नवाज है, तो इनके स्टैट्स देख लीजिए। अगर इनमें से कोई प्लेयर आपको लाइनअप में दिखता है तो स्टैट बेस पे उसको पिक करना नहीं करना वो आप डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए आप थोड़े से स्टैट्स पे नजर डाल लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एरन फिंच और ट्रेविस हेड टीम के लिए ओपन करते हुए दिखेंगे। नंबर 3 पर बेन मैकडॉर्मेट, नंबर 4 पर एलेक्स कैली दिखेंगे। अगर हम बात करें एरन फिंच और ट्रेविस हेड की, तो देखिए एरन फिंच का परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम में ओडीआईज में तो अच्छा नहीं था, और ये थोड़ा सा शाइन के खिलाफ फंसते भी हैं। तो देखिए प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, किसी भी दिन अच्छा कर सकते हैं, बट थोड़ी सी इनकी वीकनेस अभी जो है वो शाहीन अफरीदी के खिलाफ चल रही है। ट्रेविस हेड ने रिसेंट टाइम में अच्छा इंप्रेस किया, बट टी20s में रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, बट फिर भी सजेस्ट करूंगा आप इनको ले सकते हैं। एक तो बॉलिंग बैकअप टीम को दे सकते हैं, प्लस बैटिंग में अच्छे फॉर्म में ये लगे थे। बेन मैकडॉर्मेट का भी देखिए आखिरी मैच बहुत अच्छा गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया तब बेन मैकडॉर्मेट ने अच्छे खासे रन्स बनाए थे ओडीआई मुकाबले में। लास्ट जो ओडीआई खेल के आए 38 के आसपास, उसके पहले फर्स्ट वाले मैच में भी अच्छा था स्कोर। तो बेन मैकडॉर्मेट फिर भी थोड़े बेटर फॉर्म में, तो इनको मैं थोड़ा सजेस्ट कर दूंगा आप इनको टीम में ले लीजिए। इन दो पे उतना मुझे भरोसा नहीं है, ट्रेविस पे फिर भी है, फिंच का थोड़ा सा मुझे फियर है शाहीन वाला, ठीक है। इसके बाद एलेक्स कैरी आते हैं, रिसेंट टाइम में टी20s में इनके अच्छे परफॉर्मेंस तो नहीं है, बट नंबर 4 पे खेलेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। लास्ट ओडीआई मैच में भी अच्छा किया था, इस टी20 में भी अच्छा कर सकते हैं, विकेटकीपर बेटर भी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, बात करते हैं नंबर 5 के बैटर की, तो इनके पास है डेविड विली, इनके पास है कैमरून ग्रीन, सीन अबॉट, ठीक है। इस मैच में देखिए डेविड विली यहाँ पे आई थिंक ये गलती से लिख गया होगा, यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस है, ठीक है, स्टोइनिस कैमरून ग्रीन, इनका जो मिड ऑर्डर है यहाँ से काफी मजबूत हो जाता है, जिसमें ग्रीन से थोड़ी टीम कम ओवर्स करवाती है, आप मान के चल सकते हैं 2-3 ओवर शायद ग्रीन करेंगे और स्टोइनिस 1-2 ओवर कर सकते हैं। बैटिंग में अगर आप देखें तो रिसेंट टाइम में कैमरून ग्रीन ने भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंसेज दिए और मार्कस स्टोइनिस ने भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंसेज दिए। इसके बाद सीन अबॉट ने भी लास्ट मैच में काफी बढ़िया खेला था, थर्ड ओडी अगर आपने देखा होगा तो इसी वेन्यू पे सीन अबॉट ने 40+ स्कोरिंग करी थी। हालांकि T20s में इतना मौका नहीं होता है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये बैटिंग बैकअप आपको देते हैं, प्लस बॉलिंग भी डिसेंट करते हैं। इस मैच में डेथ में बॉलिंग भी ये कर सकते हो, इनके पास डेथ बॉलर ज्यादा है नहीं, अपोजिशन टीम के खिलाफ सीन का रिकॉर्ड भी ठीक ठाक देखा गया है। वहीं मार्कस स्टोइनिस का अपोजिशन टीम के खिलाफ बॉलिंग रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, और कैमरून ग्रीन पहली बार पाकिस्तान को फेस करेंगे, तो ये सबकी कंडीशन से देख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर्स की, कौन से नेक्स्ट प्लेयर्स हैं हमारे पास, तो इसमें आएंगे एश्टन आगर, नेथन एलिस, एडम जंपा और जेसन बेरेंड्रॉफ। और इस मैच में देखिए जेसन बेरेंड्रॉफ भी डेथ में गेंदबाजी कर सकते हैं क्योंकि इनके पास प्रॉपर डेथ बॉलर्स नहीं है। अगर आप नेथन एलिस को छोड़ दें तो फिर इनके पास ऑप्शन एक सीन अबॉट की बचती है, तो मे बी पॉसिबल कि नेथन तो आखिरी 4 में 2 ओवर करेंगे, बट बाकी के जो 2 ओवर होंगे उसमें एक जेसन बेरेंड्रॉफ और एक सीन अबॉट कर सकते हैं। एडम जंपा का रिकॉर्ड हमेशा अपोजिशन टीम के खिलाफ ठीक ठाक रहा है, तो इनको आप टीम में ले सकते हैं। एश्टन आगर का भी अपोजिशन टीम के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, तो ये प्लेयर्स हैं जिसमें मुझे अगर एक प्लेयर पिक करना हो इन 4-5 बॉलर्स में तो एडम जंपा को मैं हमेशा पिक करूंगा पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। बेंच में अगर आप देखें तो जॉस इंग्लिश, मानस लबुशेन, केन रिचर्डसन, मिश स्वैप्सन, ये प्लेयर्स कुछ अवेलेबल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेथ ओवर्स की, डेथ ओवर्स में पाकिस्तान की तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है, शाहीन अफरीदी, हरीश रॉफ, यही लोग डेथ में गेंदबाजी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मेन डेथ बॉलर इनके नेथन एलिस रहेंगे, सपोर्टिंग डेथ बॉलर में सीन एबॉट और जेसन बेरेंड्रॉफ दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बेरेंड्रॉफ पावर प्लेज में गेंदबाजी करते हैं, बट कभी कभार इनका 1-2 ओवर टीम बचा लेती है और हो सकता है 16वां, 17वां या 18वां ओवर एक बेरेंड्रॉफ को मिल ही जाए, ठीक है। तो आखिरी 4 ओवर में नेथन से 2 एक्सपेक्ट करेंगे, सीन से 1 करेंगे और बेरेंड्रॉफ से 1 ओवर एक्सपेक्ट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी
फैन टू प्ले टीम की। अगर आपने फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे अभी तक रजिस्टर नहीं करा तो रेफर कोड FX लगा के रजिस्टर कर लीजिए। जो भी लोग रेफर कोड FX लगा के रजिस्टर करेंगे उनको बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ 2 से 4 फ्री एंट्री आपको मिलेंगी, और इसके अलावा FX गिव अवेज और इसके अलावा काफी कॉन्टेस्ट वगैरह भी आपके लिए यहाँ पे होते रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको रियल कैश और बोनसेस वगैरह भी मिलते हैं। और आपको बता दूं वेलकम बोनस, यानी जब आप साइन अप करेंगे रेफर कोड FX से तब फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 200% का कैश बोनस भी दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट डिपॉजिट पे ही वैलिड है तो उसका यूज कर लीजिएगा, सबसे पहले रेफर कोड FX लगाइएगा। मेरी टीम देख लीजिए, इस मैच में मैंने बाबर को कप्तान करा है, वाइस कप्तान मैंने रिजवान को करा है, बैटिंग सेक्शन में बेन मैकडोमिट, फकर जमन, ट्रेविस हेड को लिया है, ऑलराउंडर सेक्शन में मार्कस स्टोइन, शादाब खान को लिया है, बॉलिंग सेक्शन में मैंने अडम जंपा, नेथन एलिस, हरीश रॉफ और शाहीन अफरीदी को लिया है। पाकिस्तान फेवरेट है इसलिए पाकिस्तान के मैंने थोड़े ज्यादा प्लेयर्स लिए, 6:5 का मैंने रेशो बनाया है, पाकिस्तान के 6 प्लेयर और ऑस्ट्रेलिया के 5 प्लेयर। अगर आप रीसेंट फॉर्म देखिए तो पाकिस्तान की टीम ने बेटर परफॉर्मेंस भी दिया है, तो यहाँ पे मैंने बाबर को कप्तान करा है अपना और वाइस कप्तान रिजवान को करा है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एरन फिंच को भी टीम में ले सकते हैं, कप्तानी वाइस कप्तानी के फर्स्ट बॉलिंग के केस में शाहीन अफरीदी और हरीश रॉफ भी काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं, इवन सेकंड बॉलिंग के केस में अडम जंपा भी कप्तानी वाइस कप्तानी के अच्छे पिक होंगे। शादाब ने भी रीसेंट टाइम में बैटिंग बॉलिंग दोनों में परफॉर्म किया है तो ये भी कप्तानी वाइस कप्तानी के अच्छे पिक होंगे। ओवरऑल देखें तो टोटल लगभग आपके पास 6 प्लेयर्स हैं जिनको आप अपना कप्तान वाइस कप्तान कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 6 पे आप फोकस करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों ने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा वो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक सबसे ऊपर दिया हुआ है, फैंटेसी एक्सप्रेस ऑफिशियल ये हमारा यूजर नेम है, और डायरेक्ट लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो फेक चैनल से नहीं जुड़ेंगे, आप जेन्युइन चैनल से ही जुड़ेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते रहिए, क्योंकि उसमें आपको 500 रुपए का कैश मिल रहा है उन दो लोगों को जो सबसे पहले इस वीडियो पे कमेंट करेंगे। तो जो भी दो लोग इस वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करेंगे 500-500 रुपए का उनको पेटीएम कैश दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।